अब आप आइए मिड कैप्स में, अब ये बिजनेस अच्छे हैं, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे IRCTC 640 पे था, 690 हो गया। IEX द लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, इवन दो देर इज कॉम्पिटिशन 93% से मार्ज, बट द वॉल्यूम विल ट्रिपल इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो मेरे को कोई दो राय नहीं, IEX इज रेडी टू 180। आई एम गिविंग यू अ कॉल विच मीन्स होल्ड इट, बाय इट एंड होल्ड द बिजनेस। IEX इज हेडेड टू 180 एंड मे बी मोर एज द क्वार्टर्स प्ले आउट, बट द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। 85% एबिटा वाली कोई ऐसी PSU कंपनी नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माई फेवरेट SRF, मैंने पहले भी कहा था स्पेशलिटी केमिकल में गो विद द मार्केट लीडर। SRF इज एन अनबीटेबल कंपनी, और जो ये चाइना की अब ये रिजुविनेशन है सोडा एश और थिंग, SRF हैज द परफेक्ट बास्केट। आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 2700 कमिंग इन द नेक्स्ट 1 मंथ, एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2250। ठीक है, तो इस लार्ज कैप्स में भी आपने रिलायंस को चूज किया, और बात सही है, रिलायंस को हैवी लिफ्टिंग तो यहाँ करनी होगी अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो। और मिड कैप स्पेस में भी कई सारे स्टॉक्स SRF स्पेशलिटी केमिकल का लीडिंग फ्रॉम द पैक, बिल्कुल बहुत सारे मानना पड़ेगा, स्टॉक्स मानना पड़ेगा। भसीन साहब ने इनग्राविया और सनमार केमिकल में जब भूल गए थे, केमिकल स्टॉक लिस्टेड भी है, सबसे भूलना शुरू कर दिया था शायद, इसीलिए लोगों की नजर नहीं गई, इंटरेस्ट ही नहीं था बाजार का, एक साथ सारा इंटरेस्ट आया और ऑफकोर्स चलना शुरू हो गया। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इनग्राविया से निकल गए, आपको पता है ये बात? करेक्ट, आप मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बाजार के हुज हु 2 साल पहले इसमें थे, खराब परफॉर्मेंस देख के सब निकल गए और अब स्टॉक चलना शुरू कर चुका है। तो हमारे भसीन साहब के पास रेडार, कुछ स्पेशल वाला रेडार है उसमें निकल निकल के एक से एक मल्टी बैगर। और थोड़ा जल्दी आया करिए भसीन जी, आप ज्यादा स्टॉक्स लेकर आइए। नहीं, अब जल्दी जल्दी आया करेंगे, इसकी जानकारी बाद में देंगे अपने व्यूअर्स को। अरे सारा कुछ इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए प्रियंका जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, जब समय आता है तो ऐसा समय आएगा कि सब कमाएंगे, और अजय जी को पता है तभी वो हंस रहे हैं, धीरे धीरे से सब होता है, जल्दी आसान नहीं है। आने दो 20,000 अगले हफ्ते, आपके साथ चाय और कॉफी पीऊंगा।